मॉर्निंग स्टूडेंट, वी डिस्कस इन आवर अर्लियर क्लासेस व्हाट इज रिस्पायरेशन, डिफिनीशन ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड डिफरेंट फेजेज आर स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स and respiratory organs in different animals. In this we discuss human respiration. The human respiration is completed in or can be studied in two phases. That means the process of respiration can be understood in two phases. One is external respiration and other is internal respiration. External respiration is breathing. Breathing is a external respiration. That means intake of air from atmosphere is called inspiration or inhalation, and to repel out of air through respiratory organ is called expiration or exhalation. Inhalation and exhalation is the process of both process is called breathing. That means in external respiration various respiratory organs are found in animals, as you know, and we discuss the external respiration is completed in five steps. First step is breathing. Breathing क्या होता है? मैंने बताया था कि intake of air from atmosphere, intake of air from atmosphere is called inspiration. That means inhalation. To repel out the air through respiratory organ is called expiration. Expiration means exhalation. That means air को बाहर के environment से अंदर की तरफ लेना और आंतरिक इन्वायरमेंट या लंग्स की सहायता से हवा को जब हम
बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन, और जब अंदर लेते हैं तो उसे इनहेलेशन। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को ब्रीदिंग कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। और देखा जाए तो आपके एनवायरनमेंट में, एयर में, एयर में जो एयर है, जिस एयर में या एयर को हम क्या कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज। और जो गैसेज हैं उनमें से कौन कौन सी हैं, उनमें से है 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और 21% आपकी 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेफ्ट जो है वो अदर गैसेज हैं, एंड सम अदर गैसेज, अदर गैसेज, दीज आर द मिक्सचर ऑफ एयर। और साथ में वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स, ये सब मिल करके एयर का फॉर्मेशन करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एयर एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इज 16-17% एंड 4% इज 16-17% एंड 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप इज गैसियस एक्सचेंज, फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड स्टेप इज गैसियस एक्सचेंज, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग, सेकेंड स्टेप इज गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इट टेक प्लेस थ्रू जनरल डिफ्यूजन, इट टेक प्लेस थ्रू जनरल, थ्रू जनरल डिफ्यूजन। यू नो व्हाट इज डिफ्यूजन? यस, द डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन दिस प्रोसेस we talk about air, gases like oxygen, the concentration of oxygen is 21% or the concentration of oxygen is higher in our environment, but the concentration of oxygen in our body, inside the body, tissues, cells have lower concentration. So the gaseous exchange through the diffusion process, by the process of diffusion, O2 of alveolized, O2 of oxygen of alveoli
diffuses in blood. Diffuses in blood. Diffuses in blood. Capillaries. Blood capillaries. And from blood capillaries, it diffuses in alveoli. And the from blood capillaries, it diffuses in alveoli. It diffuses in alveoli. After the gaseous exchange, we discuss transport of oxygen or oxygen transport. Oxygen transport. Oxygen transport. Oxygen transport की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन सेल्स. ऑक्सीहीमोग्लोबिन डीकम्पोजेज एंड रिलीजेस ओ टू. दस फ्री हीमोग्लोबिन इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्य करता है कौन? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज अ मेन कंपोनेंट दैट ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आर अल्वियोलाई टू द सेल्स आर टीसूज. वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट मेन कंपोनेंट ऑफ RBCs. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द RBCs blood is red. One molecule of hemoglobin is transported 4 molecules of oxygen. 4 molecules of oxygen. 4 molecules of oxygen. When oxygen is react with hemoglobin, then it is called oxyhemoglobin. Plus oxygen, then it is called as oxyhemoglobin. जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन तब इसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहा जाता है. और सेल में ये सेल तक ऑक्सीहीमोग्लोबिन जा कर के सेल में डिकम्पोज हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है. फिर फ्री हीमोग्लोबिन जो होता है वो अवेलेबल होता है रिएक्शन के लिए अगेन विथ ऑक्सीजन. आफ्टर दैट वी डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट ऑफ
कार्बन डाई ऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एज रिजल्ट ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द सेलुलर रिस्पायरेशन आर इन क्रेब्स आफ्टर द क्रेब्स साइकिल द CO2 एंड वाटर इज रिलीजेस वेयर CO2 इज प्रोड्यूस्ड approximately 7% part of CO2 dissolve in plasma and forms carbonic acid जो 7% carbon dioxide का वो dissolve हो जाता है किसमें plasma में in the blood plasma and form carbonic acid 70% forms bicarbonate sodium and potassium bicarbonate and 23% forms कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दस CO2 इन ऑल द एव फॉर्म्स रीचेज इन टू रिस्पायरेटरी ऑर्गन फ्रॉम टिश्यू थ्रू ब्लड एट रिस्पायरेटरी सरफेस CO2 रिलीजेस एज द रिजल्ट ऑफ फ्लोराइड शिफ्ट mixes into environment. अगर हम गैस CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करें तो जो CO2 होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है या इंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन CO2 इज इंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन आर सेलुलर रिस्पायरेशन अप्रॉक्सीमेटली 7% हमने बात किया कि 7% ऑफ CO2 इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड 7% और 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स 70% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक या बाइकार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 23% लेफ्ट 23% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये इतने फॉर्म में होते हैं और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स में पहुँचते हैं टिश्यू से लंग्स में पहुँचते हैं दे ये सब के सब टिश्यू की बात हो रही है टिश्यू में होते हैं टिश्यू से ये कहाँ पहुँच जाते हैं टिश्यू से लंग्स में टिश्यू से लंग्स में जाते हैं किसके थ्रू ब्लड वेयर दे ट्रांसपोर्ट एंड एट द रिस्पायरेटरी सरफेस CO2 रिलीज्ड इन द रिजल्ट ऑफ CO2
is released, CO2 is released as a result of chloride shift. वहाँ पर ये CO2 जो है क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू रिलीज हो जाती है एंड मिक्सेस इनटू एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट वहाँ पर ये एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है. आफ्टर दैट वी डिस्कस समरी ऑफ द रिस्पायरेशन. अगर हम समरी की बात कर लें, समरी ऑफ रेस्पायरेशन, इसके समरी की बात कर लें थोड़ा सा कि कैसे होता है. बाहर इन्वायरमेंट में एयर में O2 है, इसको अंदर आना है. इसके लिए क्या प्रोसेस होगी, मैंने बताया क्या अंदर आने के लिए ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है. कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग का. ब्रीदिंग क्या है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. इसके बाद किसके थ्रू जाएगी ब्रीदिंग, किसके थ्रू होगा, चूँकि बॉडी के सरफेस की बात हुई, उसके बाद वहाँ पर रिस्पायरेटरी पैसेज है. यहाँ पर क्या है, रिस्पायरेटरी पैसेज से होकर जाता होगा, रास्ते से होता हुआ जाएगा. उसके बाद यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, ये बॉडी का सरफेस है. क्या है, बॉडी सरफेस. उसके बाद पहुँचेगा कहाँ, सर्कुलेशन के थ्रू, क्योंकि उस पैसेज पर एल्वियोलाई लगी होंगी. वहाँ पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा. यहाँ पर ये सरफेस है, सरफेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज या बॉडी टिश्यूज, ब्लड का जो ब्लड कैपिलरीज है उसका सरफेस है. और ये क्या है, ब्लड है. ये ब्लड कहाँ पर जाना है, जाएगा टिशू या सेल के पास. कहाँ पर जाएगा, टिशू या सेल के पास, बॉडी टिशू में जाएगा, बॉडी टिशू तक पहुँचेगा. बॉडी टिशू में जाएगा. यहाँ बॉडी टिशू में क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा. यह है क्या, बॉडी टिश्यू. इसके लिए ये पाथ प्रोवाइड करेगा. गैसियस एक्सचेंज जो होगा कहाँ पर होगा, यहाँ पर. सरफेस जो है, पैसेज का सरफेस है, और एल्वियोलाई या ब्लड कैपिलरीज का जो सरफेस है, उनके सरफेस से, दोनों के सरफेस पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा. और गैसियस एक्सचेंज के बाद ही क्या होता है, ये रिस्पायरेशन
कंप्लीट होता है। यहाँ पर O2 की क्या हुई, एंट्री हुई, इसका यूज हो गया, O2 का क्या हुआ, यूज हुआ। कहाँ पर यूज हुआ, पहले अंदर की तरफ गैस आई, कहाँ पर, ब्रीदिंग के थ्रू, इन्हेलेशन हुआ, इन्हेलेशन से वो रिस्पायरेटरी ट्रैक से होता हुआ लंग्स सरफेस तक पहुँचता है एल्वियोलाई पर, एल्वियोलाई और पर वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, थिनेस्ट ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके सरफेस में क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, जहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंटेंट है, कंसंट्रेशन है, वो कम रहती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और वो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और हीमोग्लोबिन के कम्बिनेशन के बाद वो ब्लड बॉडी टिश्यू तक पहुँचता है। बॉडी टिश्यू पर उस ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज होता है, किस प्रोसेस में, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। सेलुलर रिस्पायरेशन में आप जानते ही हैं वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल चलती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और वो उसका कन्वर्जन पायरविक एसिड में, और पायरविक एसिड का कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन होता है क्रेब्स साइकिल्स में, वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ब्रेकडाउन के बाद वही फिर से पुनः वहाँ से ऑक्सीजन छूट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन प्लाज्मा और कार्बोनेट और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है और वह फिर आता है ब्लड सरफेस पर, और सरफेस पे पहुंचने के बाद वहाँ से वो फिर बाहर की तरफ एक्सहेलेशन के थ्रू CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ये है समरी ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल के। ये किसकी बात हो रही है, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल की, कॉम्प्लेक्स एनिमल, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल में होता है, इन मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल। आफ्टर दैट वी डिस्कस ब्रीदिंग, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। तो एक साइड हम लिखते हैं ब्रीदिंग, एज यू नो व्हाट इज ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन, अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो ये कैसा होता है, ब्रीदिंग जो होती है फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है ये, फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इसकी जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग की प्रोसेस है, उस ब्रीदिंग की प्रोसेस में एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एनर्जी इसमें क्या होती है, रिस्पायरेशन में रिलीज होती है।
एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर यूज्ड हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसमें क्या होता है कि बॉडी ऑर्गन का मूवमेंट होता है। इट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट होता है इनसाइड सेल्स में। ये कहाँ पर होता है, इट कंप्लीट इनसाइड द सेल। दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। थैंक यू। अगली चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। हैव अ नाइस डे।